हेलो गाइस, कैसे? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ मलिक जैन, आप देख रहे हैं जेएसआई इंफॉर्मेशन। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल की और इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में किंजा हाशमी और हारून कदवानी के बच्चे के बारे में बताने वाला हूँ, और बहुत ही ज़्यादा कमाल की और इंटरेस्टिंग वीडियो है। वीडियो को आपने एंड तक देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना। आपको मैं मुकम्मल प्रूफ के साथ वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि जल्दी जल्दी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट कर दो, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई भी पैसे वगैरह नहीं लगते। हमारी मेहनत देख कर आपको लगता होगा कि ये बहुत ज़्यादा मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, तो आप लोगों का सब्सक्राइब करना बनता है। आप मेरे YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट कर दें, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी लाजमी करें, क्योंकि लाइक करने में कोई भी तंगी या दिक्कत नहीं आती। आप जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक भी कर दें, ताकि हमारा भी कुछ फ़ायदा हो, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मेहनत करके वीडियो बनाते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, आप तो जानते हैं कि किंजा हाशमी और हारून कदवानी की जोड़ी को रूप और ज्योति टेलीफिल्म निकली है, इसमें इस जोड़ी को बहुत ही ज़्यादा सराहा गया और बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया गया, क्योंकि फिल्म भी ऐसी थी जिसे देखकर दिल को खुश मिली और सुकून मिला, क्योंकि पाकिस्तानी मूवीज़ ऐसी ही होनी चाहिए जिसने तमाम मूवीज़ का रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया है मूवी देखने में। अगर आपको मूवी अच्छी लगे या आपने मूवी देखी है, आपको कौन सा सीन मूवी का पसंद आया, कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताएं, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरे व्यूज़ को कौन सी चीज़ मूवी की पसंद आई, और कौन सी कास्ट, अगर किसी को कास्ट पसंद आई है तो वो भी कमेंट में बता सकता है, किसी को सॉन्ग पसंद आया है तो वो भी मुझे बता सकता है। तो दोस्तों, बात करते हैं किंजा हाशमी और हारून कदवानी कपिल की, मतलब ये कैसा कपिल है, ये आपस में कैसा रहा है। दोस्तों, आपको ये जानकर बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी और बहुत ही ज़्यादा हैरत होगी, क्योंकि अब मैं एक बात ही ऐसी बताने वाला हूँ। रूपोश टेलीफिल्म के बाद जो इतनी हिट हुई, मतलब पूरे पाकिस्तानी फिल्म्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, इसके बाद दोस्तों लोगों ने किंजा हाशमी और हारून कदवानी की जोड़ी को बहुत सराहा है और बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया है। दोस्तों, ये मूवी इतनी कमाल की थी, अगर आपने मूवी देखी है तो कमेंट में मुझे लाजमी बताएँ और अपनी अपनी राय का इजहार करें। दोस्तों, मैंने ये मूवी देखी है और मुझे इतनी कमाल की लगी, क्या बताऊँ आपको। किंजा हाशमी एक बेहतरीन एक्टर है और हमेशा रहेगी, और इनके साथ हारून कदवानी का कपिल भी बहुत अच्छा लगा, मतलब हारून कदवानी इनके साथ बहुत अच्छे लगे। किसी को रूपोश टेलीफिल्म का सॉन्ग पसंद आया तो किसी को रूपोश टेलीफिल्म की कास्ट पसंद आई, क्योंकि एक बेहतरीन फिल्म थी और तमाम फिल्म हिस्ट्री का रिकॉर्ड तोड़ के रख दिया है, क्योंकि कोई भी ऐसी फिल्म नहीं है जिसमें 100 मिलियन क्रॉस कर चुकी है यूट्यूब पे, ऐसी कोई भी मूवी नहीं है। तो दोस्तों, बात करते हैं हारून कदवानी और किंजा हाशमी के बच्चे की, मतलब कि इनकी अभी शादी हुई है या नहीं हुई, या इनका बच्चा हुआ है या नहीं हुआ। तो दोस्तों, इस बारे में मैं आपको बताता चलूं कि बस किंजा हाशमी और हारून कदवानी की जोड़ी को प्यार दिया गया है, लेकिन अभी तक ये शादी के बंधन में नहीं बंधे। बात करते हैं इसी बात पे ख़त्म, वीडियो को करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।